आगरा जिले की कमान संभालने के साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने पुलिस महकमे की छवि को सुधारना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में प्रभाकर चौधरी द्वारा थाना खेरागढ़ और कागरोल में तैनात दो पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। आगरा के एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने जनपद आगरा में तैनात दो पुलिस कर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया है। जिले के पुलिस कप्तान प्रभाकर चौधरी ने आगरा जिले की कमान संभालने से पहले ही संकेत दे दिए थे कि भ्रष्टाचार में लिप्त खाकी वर्दीधारियों पर चाबुक चलेगा। बावजूद इसके लगातार आगरा पुलिस के पुलिसकर्मी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे थे। अशोक कुमार की तहरीर पर एसएसपी आगरा ने थाना खेरागढ़ और थाना कागरोल में दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दिनांक 14 जुलाई 2022 को थाना कागरोल में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, धारा 7/13 भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत। इसमें जो वादी अशोक है, इसने बताया है कि थाना खैरागढ़ अंतर्गत एक मुंशी है, उससे इसने कुछ पैसे का सौदा किया था गाड़ी निकलवाने के लिए, और उसी मुंशी के माध्यम से जो थाना कागरोल में कंप्यूटर ऑपरेटर तैनात है उसके संपर्क में आया और थाना कागरोल से भी गाड़ी निकलवाने के लिए उससे इसका पैसों का सौदा हुआ था। जो इसने तहरीर दिया, तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन, आगे की कार्रवाई जो वैधानिक है वो अमल में लाई जा रही है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। एसएसपी आगरा को लिखित तौर पर अशोक कुमार नाम के व्यक्ति ने शिकायत की कि गिट्टी और डस्ट से भरे वाहन को निकलवाने के लिए थाना खेरागढ़ और थाना कागरोल में तैनात कांस्टेबल महीनेदारी की बात कर रहे हैं। एसएसपी आगरा ने अशोक कुमार की शिकायत की जांच कराई तो आरोप सही पाए गए। एसएसपी आगरा ने अशोक कुमार की शिकायत पर खेरागढ़ थाने में तैनात कांस्टेबल सत्यपाल और कागरोल थाने में तैनात कांस्टेबल अरुण कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें जो भी साक्ष्य क्रम में जो भी चीजें हमारे पास आएंगी, जो भी इसमें दोषी होगा सबके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी से कोई उपाय? अभी गिरफ्तारी नहीं है, अभी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। इससे पूर्व भी एसएसपी आगरा ने भ्रष्ट पुलिस कर्मियों की शिकायत के लिए जनपद आगरा वासियों के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिसमें आगरा वासी भ्रष्ट पुलिस कर्मियों की शिकायत करेंगे जिनका नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा। डीजी मानाजा न्यूज के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।